हे गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष एंड आज हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू 2024 होंडा एलिवेट। एंड दोस्तों, ये कार आपको सिर्फ पेट्रोल में ऑफर की जाती है, इसमें कोई भी आपको डीजल वेरिएंट देखने को नहीं मिलता है। एंड ये आपकी नॉर्मल एलिवेट नहीं है, ये आपकी एपेक्स एडिशन। सो दोस्तों, अभी आप जो वेरियंट देख रहे हैं ये आपका VX वेरियंट एंड इसमें आपको एपेक्स एडिशन देखने के लिए मिल जाता है। बहुत ही अच्छा वेरिएंट है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है एंड इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सो एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो 14,25,000 रुपये इसका एक्सोरूम प्राइस है एंड ऑनरोड पड़ती है आपको अप्रोक्स 16,60,000 रुपये की। सो ये कार आपको ऑफर की जाती है 6 एयरबैग के साथ एंड दोस्तों बहुत ही क्लासिक सा आपको उसमें इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे इस कार का कंप्लीट वॉकराउंड एंड जानेंगे इसमें आपको क्या शानदार फीचर देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रंट की बात करिए तो देखिए बोल्ड लुक आपको देखने को मिलता है, बीच में आपको मिलता है होंडा का लोगो एंड ग्रिल आपको मिलती है मैट ब्लैक फिनिश में, बहुत ही शानदार लगती है। नंबर प्लेट के आपके पास डेडिकेटेड पोजीशन है कुछ इस टाइप से एंड 220 mm का आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है जो कि सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। एंड वहीं लाइट सेटअप की बात करें तो आपको देखिए ऊपर DRL प्लस टर्न इंडिकेटर का वर्क करेंगे, नीचे आपको लाइट सेटअप देखने को मिल जाता है LED में जो कि आपका हाई बीम एंड लो बीम, बाकी नीचे आपको फॉग लैंप देखने के लिए मिल जाता है। सो फ्रंट की बात करें बहुत ही शानदार से आपको लुक्स देखने को मिलते हैं। सो ये कार दोस्तों आपको 4.3 मीटर लेंथ के साथ ऑफर की जाती है, बहुत ही शानदार लगती है। एंड यहाँ देखिए पहले हम बात करते हैं अगर इसके टायर साइज़ की तो आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, 17 इंच के टायर कंपनी ऑफर करती है, ट्यूबलेस टायर है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक, रियर में आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक ऑफर मिलते हैं। यहाँ देखिए 215/55/8/17 का आपको टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर है, ब्लैक कलर की क्लैडिंग कार में देखने को मिलती है। देखिए साइड फेंडर में एपेक्स की आपको कुछ इस टाइप से लोगो देखने को मिलता है। साइड मिरर की दोस्तों हम बात कर लें अगर तो ये आपको मिलते हैं बॉडी कलर, इसमें आपको टर्न सिग्नल इंटीग्रेटेड है, ये आपके हैं ऑटो फोल्डेबल प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत ही शानदार लगते हैं। एंड क्रोम स्ट्रिप आपको देखिए देखने को मिलती है, ठीक है। साइड में बात करें तो आपको देखिए रूफ रेल्स है, वर्किंग रूफ रेल्स आपको मिलती हैं, सनरूफ आपको देखने को मिलता है नॉर्मल सा, पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को नहीं मिलता। व्हील बेस भी आपको लगभग 2650 mm का देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, 15.5 का एवरेज, टेल लैम्प यूनिट देख लीजिए आपको कुछ शेप में देखने को मिलती है जो आपकी रहती है LED में, बहुत ही शानदार एलिवेट एंड एपेक्स की आपको बैजिंग देखने को मिलती है दोस्तों। सेंटर में आपको मिलता है होंडा का लोगो एंड कुछ शेप में आपको मिल जाती है इसके टेल लैम्प यूनिट, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। IVTEC की बैजिंग आपको देखने को मिलती है प्लस 4 पार्किंग सेंसर कंपनी ऑफर करती है, 2 रिफ्लेक्टर एंड लोअर लिप यानी बैक लोअर लिप कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलती है जो कि आपके एपेक्स एडिशन का एक पार्ट है, ठीक है। ग्लास की बात करें, वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प दोस्तों सब कुछ आपको देखने को मिलता है, स्पॉइलर, सार्पिन, एंटीना सब कुछ, ठीक है। कैमरे की प्लेसमेंट भी है एंड ये है इसका बूट स्पेस, पहले में देखने को मिलेगी आपको इसमें पार्सल ट्रे, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही शानदार लगती है देखने में। एंड अगर बूट स्पेस की बात करें सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, 458 लीटर का आपको उसमें बहुत बड़ा बूट स्पेस देखने को मिलता है, लगेज आप बहुत सारा कैरी कर सकते हैं। एंड और दोस्तों बात करें तो आपको लेफ्ट साइड देखिए लैंप देखने को मिलता है, ठीक है। स्टेपनी व्हील की बात करें तो आपको बीच में देखने को मिलती है एंड उसी के साथ आपको टूल किट भी देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगी। सो मतलब ठीक है 15 इंचेस का 16 इंचेस का आपको टायर देखने के लिए मिलता है स्टेपनी व्हील में स्टील व्हील रिम के साथ, तो उतना ही कुछ मिलता है इसके बैक प्रोफाइल में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर की, तो यहाँ देखिए आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, बॉडी कलर आपके डोर हैंडल्स हैं एंड ये है इसका डोर ट्रिम एपेक्स एडिशन का, बहुत ही शानदार। ये देखिए आपको मिलते हैं सॉफ्ट टच, ये भी सॉफ्ट टच, यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, मिरर सेट करने के कंट्रोल्स हैं, फोल्ड अनफोल्ड एंड ट्विटर की प्लेसमेंट, स्पीकर प्लस बोतल स्पेस। साथ ही बात करें तो यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइट देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। और सीट हाइट एडजस्टमेंट की बात करें तो वो दोस्तों आपको मैन्युअली इस वेरिएंट में देखने को मिल जाता है, बहुत ही शानदार। एंड इंटीरियर आपको काफ़ी प्रीमियम सा इंटीरियर देखने को मिलता है इस एपेक्स एडिशन के, बाकी देखिए सीट का लेआउट कुछ इस टाइप से मिलता है, फ्रंट के दोनों हेडरेस्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, आई थिंक ये सीट कवर चढ़े हुए हैं इसके ऊपर, बाकी इसमें दोस्तों आपको फैब्रिक अपहोस्ट्री के साथ सीट्स देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं दोस्तों, वहीं बैठ कर सारी बात करेंगे।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगर इसके डैशबोर्ड के लेआउट की, तो बहुत ही प्रीमियम से आपको इसका डैशबोर्ड का लेआउट देखने को मिलता है। जो एम्बियंट लाइट है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार लग रही है इस एपेक्स एडिशन में। इसके कारण जो कार में चार चांद और लग रहे हैं। तो पहले हम दोस्तों बात करते हैं अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो चलिए वहाँ बात करें। तो ये देखिए आपको लेदर रैप देखने को मिल जाता है कुछ उस टाइप से, बीच में आपको होंडा का लोगो मिलता है। लेफ्ट साइड की बात करते हैं, यहाँ पर आपको सारे वॉल्यूम कंट्रोल्स, कॉल कट, कॉल पिकअप, वॉइस कमांड का ऑप्शन, एंड राइट साइड आपको कोई भी कंट्रोल्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते। बाकी अब हम देख लेते हैं इसके एडजस्टमेंट, तो आपको क्या क्या मिलता है ये देखिए, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ही शानदार। यहाँ पर आपको लाइट्स मिलती हैं वो कि ऑटोमेटिक हैं, एंड यहाँ पर आपको वाइपर मिलते हैं जो कि आपके नॉर्मल से हैं। बाकी ये है दोस्तों इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपको डिजिटल फॉर्म में देख मिलता है एंड एनालॉग फॉर्म में। चलिए एक बार मैं दिखाता हूँ आपको ऑन करके। सो फिर से प्रेस करेंगे एंड ये देखिए कुछ इस टाइप से होता है दोस्तों ऑन। इस तरह आपको डिजिटल देखने को मिलता है, इधर एनालॉग, बहुत ही शानदार लगता है देखने में। पर्सनली मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको दोस्तों कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही यहाँ आपको मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन, ऊपर बात करें हार्ड प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिल जाता है कंप्लीट। एंड सेंटर पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ देखिए ये आपको मिलती है टच स्क्रीन, ठीक है, जो कि दोस्तों आपका सपोर्ट करेगी एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। बाकी बीच में आपको हजार्ड का बटन है एंड एसी वेंट की प्लेसमेंट है, एंड एसी आपको मिलता है ऑटोमेटिक, देख लीजिए कुछ स्टेप का आपको एसी मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको कंप्लीट लेदर फिनिश देखने को मिल जाती है, ये पूरा आपका लेदर फिनिश है कंप्लीट बात तक। एंड ये आपका रहता है पियानो ब्लैक फिनिश में। एम्बियंट लाइट देखिए चारों डोर्स पे आपको देखने को मिल जाती है, बहुत ही शानदार लगती है। इधर आइए देखो वायरलेस मोबाइल चार्जर आपको यहाँ मिलेगा, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, दो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, एंड यहाँ से आप बटन बंद कर सकते हैं अपने वायरलेस मोबाइल चार्जर को। प्लस टू का क्लास होल्डर, 6 स्पीड आपका ये दोस्तों रहेगा मैनुअल वेरिएंट एंड मैनुअल हैंड ब्रेक। साथ ही आर्मरेस्ट की बात करें सॉफ्ट टच के साथ है, ओपन करते हैं अंदर आपको स्पेस वगैरह मिल जाएगा। रियर व्यू मिरर आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, वाइट लाइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, वैनिटी मिरर है और इधर भी आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। एंड ये देखिए आपके पास सनरूफ का भी ऑप्शन मिलता है, तो बहुत ही शानदार लगता है दोस्तों एपेक्स एडिशन। एंड पर्सनली मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको दोस्तों कैसा लगा आप हमें कमेंट करके प्लीज़ बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके रियर डोर की, तो यहाँ पर देखिए बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स, ओपन करते हैं एंड ये है दोस्तों इसका डोर ट्रिम, सेम आपको दोस्तों दोनों देखने को मिल जाता है ड्यूअल टोन में। ये आपका सॉफ्ट टच, ये आपका हार्ड प्लास्टिक है, एम्बिएंट लाइट आपको देखने को मिलती हैं, पावर विंडो कंट्रोल्स, नीचे स्पीकर प्लस बोतल स्पेस, चाइल्ड लॉक, इतना ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। एंड ये देख लीजिए सीट का लेआउट दोस्तों कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है जो कि इंटीरियर के साथ काफ़ी अच्छा मैच करता है। सो एक बार अंदर चलते हैं कार के, ठीक है। पहले तो आप देखिए ये आपका डैशबोर्ड का लेआउट कंप्लीट कुछ टाइप से देखेगा, रियर सीट से काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में एंड स्पेस काफ़ी अच्छा है कार के अंदर। बाकी हम बात करेंगे अगर इसके नी रूम की, तो सीट मैंने टिल्ट की है, काफ़ी अच्छा नी रूम है। थाई सपोर्ट भी आपको बहुत ही शानदार देखने को मिल जाएगा। बाकी ये पार्ट आपको मिलता है ब्लैक, रूफ मिलेगी आपको बेज कलर की, सो काफ़ी अच्छा है आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एंड यहाँ देखिए आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट, नीचे आपको सिंगल एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिलता है, मैगजीन होल्डर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। और सीट की और बात कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको 60-40 में स्प्लिट सीट मिलती है, तीन हेडरेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, कोई बीच में आपको आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता। आइसोफिक्स आपको सीट्स मिल जाती हैं, तीनों पैसेंजर के पास सीट बेल्ट का ऑप्शन है, पीछे आपके पास पार्सल ट्रे का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ये देखिए कुछ इस टाइप से, ये तीनों पैसेंजर के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको कैबिन लाइट मिलती है जो कि आपकी वाइट लाइट है, बढ़िया है, मतलब काफ़ी अच्छा आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है। एंड चाहो तो आप सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस एपेक्स एडिशन का इंटीरियर एंड डैशबोर्ड का लेआउट, आप हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगर इसके इंजन के बारे में, तो इसमें आपको दोस्तों 1.5 लीटर का आई वी टेक पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ट्रस्टेड एंड यूजफुल इंजन है जो आप होंडा सिटी में देखने को मिल जाता है। वही आपको सेम इंजन इस एलिवेट में भी देखने को मिलता है। एंड पावर फिगर की बात करें 119 BHP एंड 145 Nm का टॉर्क आपको जनरेट करके देती है। बाकी बोनट पे आपको इंसुलेशन वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है, एवरेज लगभग 15.5-16 लाख का कंपनी इसमें क्लेम करती है। सो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट बैकग्राउंड ऑफ ऑल न्यू 2024 होंडा एलिवेट एपेक्स एडिशन VX वेरिएंट। 14,25,000 रुपये इसका एक्सोरूम प्राइस है। हमने किया था कंप्लीट बैकग्राउंड एंड इस कार से रिलेटेड कोई भी बुकिंग क्वारी टेस्ट ड्राइव आपको कुछ भी करनी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सुमेधा मोटर्स को। शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर लेना, गाड़ी पसंद आए तो गाड़ी को बुक कर लेना। सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी होने की कार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।